नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों को उतारने की उलझन में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पुष्पम प्रिया चौधरी घर घर जाकर लोगों से खोइछे के रूप में वोट मांगती नजर आ रही है। बता दें आपको कि खोइछा जो है वो मिथिलांचल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। वहाँ जब भी मायके से जब बेटियाँ ससुराल जाती हैं तो माँ उन्हें समृद्धि के तौर पर खोइछा देती है और एक छोटे से कपड़े में चावल और सिक्के और हल्दी का टुकड़ा रखकर ये कहती है कि तुम्हारा घर भरा पूरा रहे, समृद्धि से भरपूर हो। इससे ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी घर घर जाकर लोगों से इमोशनली वोट की अपील करती नज़र आ रही है। बता दें आपको कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने बकायदा इसके लिए अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था और इसे खोइछा अभियान के रूप में पूरे बिहार में इसकी शुरुआत की है। क्या कुछ लिखा है पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पोस्ट पर, वो हम आपको बताते हैं। बिहार का खोइछा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हर जिले, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव, शहर, प्लूरल्स के कार्यकर्ता, हर जाति धर्म वाले परिवार और टोले मोहल्ले के घर घर जा रहे हैं और एक कपड़े के टुकड़े में एक मुट्ठी चावल और एक सिक्के का बिहार का खोइछा प्राप्त कर रहे हैं, ताकि बिहार के भविष्य के लिए यह खोइछा कृषि क्रांति, चावल, औद्योगिक क्रांति, कपड़ा और करोड़ों रोजगार सिक्का को जन्म दे सके। कुल 108 लाख खोइछा मुझे लाकर दे, ताकि बिहार का कर्ज मेरे रोम रोम में बस जाए और मैं उसकी लाज और उसका सम्मान नए बिहार में रख सकूं। आप सभी को दुनिया में श्रेष्ठ बनाकर खुश देखकर, आपका आशीर्वाद पाकर। बता दें आपको कि पुष्पम की राजनीति में एंट्री का तरीका से लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का तरीका भी बहुत अलग है। उन्होंने उम्मीदवारों का चयन भी बिल्कुल अलग तरीके से किया है। जैसे आप जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, प्लूरल्स का कैंडिडेट बनने के लिए भी आपको एप्लीकेशन देना होता है, जिसमें बकायदा आपका नाम, उसकी डिटेल्स, पढ़ाई और आप प्लूरल्स के उम्मीदवार क्यों बनना चाहते हैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको देनी पड़ती है। प्लूरल्स की टीम पूरी बायोडेटा को खंगालती है, तभी आप प्लूरल्स के कैंडिडेट बन सकते हैं। हालांकि प्लूरल्स का कैंडिडेट बनना इतना आसान नहीं है। पुष्पम उन लोगों को ही टिकट दे रही हैं जो आम हैं लेकिन योग्य हैं, जिनमें योग्यता हो, यानी कि वो डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हों या फिर नेवी से सेवानिवृत्त हो, निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हों या फिर सोशल एक्टिविज्म में शामिल हो, ऐसे ही लोगों को प्लूरल्स का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। पुष्पम ने खुद को दो विधानसभा क्षेत्रों में लड़ने की घोषणा की है, इनमें मिथिला और मगध क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि अभी तक मगध क्षेत्र से जिस पुष्पम सीट पर चुनाव लड़ने वाली है उसकी घोषणा नहीं की गई है। उसका नाम बाकीपुर बताया गया है। वहीं मिथिलांचल में वो किस क्षेत्र से उतरेंगी इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो अब पुष्पम जिस रफ्तार के साथ अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, जिस अलग तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, वोटों की अपील करती नजर आ रही है, तो ऐसे में दूसरी पार्टियों की रफ्तार काफ़ी धीमी नज़र आ रही है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग अभी पुष्पम प्रिया चौधरी को खोइछा देते नज़र आ रहे हैं, क्या वो उन पर विश्वास करकर वोट देंगे, क्या उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।